मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या जाने वाली बस को पुलिस डीएवी स्कूल अंबाला शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी अयोध्या जाएंगे और वहां श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे। सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस माँ अम्बा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहाँ से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहाँ से हमारे इस पवित्र भूमि अम्बाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। भाई अम्बाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अयोध्या बस रवाना करने के बाद सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। हर घर प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना, उसका भी शुभारंभ आज यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय में घोषणा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हर घर के ऊपर सोलर पंप, सोलर जो प्लांट है उसको लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, और आज मुझे खुशी है कि उसको शुभारंभ आज हरियाणा के अंदर इसी अम्बाला की माँ अम्बा की भूमि से हो रहा है। और आज इस योजना का लाभ हरियाणा के लाखों लोग इस योजना से जुड़ कर के उसका लाभ लेंगे। जो पहले पाओ की योजना, पहले आओ और पहले पाओ कि जो भी व्यक्ति इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा उस व्यक्ति को सोलर की ये सौगात जो पूर्ण रूप से 60% की सब्सिडी वो केंद्र सरकार देगी और 50% की सब्सिडी वो प्रदेश सरकार देगी। ऐसे 2 किलोवाट के जिनका कनेक्शन है ऐसे सब लोगों को इस योजना का वो लाभ मिलेगा। वही सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत निशुल्क अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं में भी सरकार की इस योजना को लेकर खुशी नजर आई। अयोध्या जा रहे बुजुर्गों ने इस योजना के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। हम अयोध्या जा रहे हैं जी, हमारा कोई किराया खर्चा कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है जी, हमारे लिए बहुत अच्छा किराया सरकार ने, ये मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या योजना की तरफ से जान लग रहे हैं, फिर फुल सेवा और यार पूरा प्रशासन का धन्यवाद करना चाह रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और परिवार की आय 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।